वेलकम टू बायोलॉजी क्लास कुमार मुकेश यूट्यूब चैनल आपका अपना फैमिली में स्वागत है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लास्ट ऑफ पेविस का रासायनिक नाम है। यह BSSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है और 10th-12th के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्ट ऑफ पेविस किससे बनता है। यह SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। यह 10th में दोस्तों कई बार पूछा जाता है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर चित्रकार शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लास्ट ऑफ पेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टॉस किससे बनती है। यह SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। यह SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बुझे चूने के क्लोरीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। यह BPSC 1994 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जल से अधिक विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में लौह का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। इसके अलावा आहार की मिश्रित संरचना पर भी ग्रहा प्रतिशत निर्भर करती है। इन्हीं कारणों से विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा लौह की दैनिक आवश्यकता 12 से 24 मिलीग्राम के बीच तय की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक लोहे का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर होगा हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। यह दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। BPSC 1998 में पूछा गया और RAS RTS 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर टेप लेपित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु अमल गम नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है। यह UPSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेविक और फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में डाइस दोनों की आवश्यकता होती है। यह SSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में लोहे में जंग रस्ट लग जाती है, जिसमें फेविक एवं फेरस ऑक्साइड Fe2O3 -XH2O बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग का रासायनिक संघटन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe2O3 -XH2O इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार बताइएगा दोस्तों। ये MPPSCS 1991 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग से बचाता है क्योंकि यह, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, यह GGPCS 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप है, यह BSSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लौह के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है, यह SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील का इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों में कलुषित नहीं होता है। साधारण इस्पात की अपेक्षा ये अधिक ताप भी सह सकते हैं। इस्पात में ये गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होते हैं, जिसमें 15-20% क्रोमियम और 8-10% निकल तथा साधारण स्टील होता है। क्रोमियम इस्पात में वह तल को निश्चित निष्क्रिय बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यह BPSC 1998 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, यह SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। यसदीकरण या गलवानीकरण या यसद लेपन एक धातु का कार्मिक प्रक्रम है, जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इससे इन धातुओं का क्षरण, विशेषतः जंग लगना का रूप जाता है, क्षरण रुक जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।